गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। किसी ने मुझसे पूछा, सर आप बालकनी में रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रहे हो आजकल, है ना? आजकल आप घर के सोफे पर रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो, है ना? कारण ये है कि भैया, ये रिकॉर्डिंग अर्ली मॉर्निंग होती है। आजकल हम और सुबह उठने लगे हैं, है ना? छोटा वाला बच्चा हमारा जो है वो फुटबॉल खेलने जाता है आजकल, उसको बहुत शौक है फुटबॉल का। तो उसे 5 बजे ग्राउंड पहुंचना होता है, तो फिर कोई मतलब मुझे उठना पड़ता है, और मेरा कुक जो है वो उसके लिए टिफिन बना के रखता है, उसे उठना पड़ता है। फिर वो वहीं से फिर डायरेक्ट स्कूल चला जाता है, मतलब जो स्कूल के ग्राउंड में ट्रेनिंग होती है। तो कभी कभी है ना, मतलब कई बार क्या होता है कि हम लोग है ना, जो जो हमारे लिए पेरेंट्स करते हैं ना, उसको हम लोग बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मतलब उसको कभी हम लोग जो है वो रियलाइज नहीं करते हैं कि वो कहाँ 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 चीज़ों को जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ बहुत भारी काम किया, मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी बच्चा सुबह अर्ली मॉर्निंग जाता है तो फिर नींद थोड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, सुबह और जल्दी उठना पड़ता है ताकि वो तैयार हो सके। जैसे कि अब आप बोलोगे, सर आपका क्या रोल है? अरे भाई, उसके लिए कि उसने पूरा टिफिन रख लिया है, सब सामान साथ रख लिया है अपना, फिर उसके जो जो फुटबॉल शू होते हैं उसके लेस नहीं बांध पाता वो, उसके लेस को बांधना पड़ता है ना। तो बहुत छोटे छोटे काम होते हैं जो हम लोग करते हैं, मतलब एज ए पेरेंट करना पड़ता है। और मुझे अच्छे ध्यान है, कभी कभी है ना, मेरी मेरे फादर से जो है वो किसी किसी बात पर जो है वो कभी विवाद हो जाया करता था, है ना? मतलब उनकी बात मुझे समझ में नहीं आई, या उनकी मैं उनकी बात नहीं समझ पाया, तो मैं अक्सर बोलता था कि है ना, जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो सारे पैसे, जितने पैसे इन्होंने खर्च किए सब लौटा दूंगा इनको मैं, ठीक है ना, इनको मैं पैसे लौटा दूंगा, है ना। ये हर बात के लिए मना करते हैं, हर बात के लिए ज्ञान पकड़ा देते हैं ना टाइप से। तो कभी कभी रिवेलियस मूड में रहा करते थे। तो लेकिन आप समझ में आती बात की नहीं भाई, है ना, चाहे खुद पेरेंट बनने का समझ में आती कि कोई यदि मैं अपने पेरेंट का किया हुआ लुटाना चाहूँ तो वो पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़। तो क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको बच्चे नहीं देख पाते पर पेरेंट कर रहे होते हैं उनको। इसलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट, हमेशा जो है उनका रिस्पेक्ट कीजिए। कोई कोई लोग जो होते हैं थोड़े से आउट स्पोकन होते हैं, जोर से बोल देते हैं, पेरेंट्स में भी कई लोग हैं डांट देते हैं, लेकिन उसका इंटेंशन कभी बुरा नहीं होता, ठीक है। पीछे का कॉन्टेस्ट समझने की कोशिश कीजिए, हर इमोशन के पीछे कॉन्टेस्ट होता है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, सुबह सुबह कहाँ से भाषण दे रहे हो सारे ना आप, ठीक है। तो मैं कोई भाषण नहीं दूंगा आपको, मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक हस्बैंड वाइफ जो है वो अपने नए बंगले में, एक नए बड़े से घर में जो है वो शिफ्ट होते हैं, ठीक है। और उस बंगले में शिफ्ट होने के बाद, ये पूरा यूएसए का किस कहानी है, तो ये छोटी अच्छी शॉर्ट स्टोरीज यूएसए की जनरली फॉरेन ऑथर्स लिखते हैं। तो उस घर में वो लोग शिफ्ट होते हैं, और वो बड़ा सा बंगला होता है, थोड़ा सा शहर जो है वो एक शहर के एक अलग इलाके में होता है, जहाँ पे काफी रिच लोग रहा करते हैं। तो वो शिफ्ट हो जाते हैं उसमें। अब क्या होता है कि जो जो वाइफ है उसकी, वो बोलती है, वो जो जो व्यक्ति है बिजनेसमैन, उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे घर के लिए कुछ सामान खरीदना होता है आए दिन। तो बोलता है ठीक है, हम जहाँ घर में शिफ्ट हुए हैं उसके ठीक घर के ठीक सामने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहां से सामान ले लेते हैं अपन। तो उसकी वाइफ बोलती है नहीं, मैं वहां से सामान नहीं लूंगी, मैं तो वो जो जिस मॉल से अपन पहले सामान लिया करते थे ना उसी मॉल जाऊंगी मैं। तो हस्बैंड बोलता है ठीक है चले जाओ। तो वो जो मॉल होता है वो मॉल घर से 50 किलोमीटर दूर, तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर होता है। अब क्या होता है, फॉरेन में ऐसा होता है कि कई बार आप बहुत अमीर भी है ना, जब तक आप बहुत बहुत ज्यादा अमीर नहीं है तब तक आप सर्वेंट नहीं रख सकते आप, ठीक है ना। कि सोचे ना कोई कि मैं ड्राइवर रख लूँ, मैं कुक रख लूँ, मैं मैड रख लूँ घर में, तो नहीं। आप देखोगे अमीर से अमीर लोग वहां पर जो है वो खुद अपना काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर मैन पावर बहुत महंगी है, लोग कम है ना, लोग कम है तो उनके पास रोजगार भी है, दूसरे अच्छे काम करने को उनके पास। तो आपके घर में क्यों आके वो व्यक्ति झाड़ू पोछा करेगा या ड्राइवरी करेगा, क्योंकि वहां पे फॉरेन कभी आप घूमने जाओगे ना, आप वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएसए वगैरह में, तो आप पाओगे टैक्सी बहुत महंगा है। मतलब आप लोकल ट्रेवल आप अपने आप ही प्रेफर करोगे, टैक्सी बहुत ज्यादा महंगा है वहां पे, ठीक है। मतलब मैं जब यूएस गया था तो मैंने देखा कि फर्स्ट डे अपने को तो इंडिया की हैबिट थी टैक्सी कर लो। जब कैलकुलेट किया तो पहले दिन ही टैक्सी में जो है 18-19 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये टैक्सी में खर्च हुआ सिर्फ, ठीक है। तो क्योंकि 20 हज़ार में तो टैक्सी जो 10 दिन के लिए करके बैठे होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जमाना था। खैर,
तो खैर पॉइंट ये है कि वो 50 किलोमीटर दूर हस्बैंड वाइफ को दोनों को हर वीकेंड को वो जो छुट्टी हो वो वाइफ अपने हस्बैंड से बोले कि मुझे मॉल जाना है, सामान खरीदना है। वो बोले चलो बैठो 50 किलोमीटर दूर। अब उसके हस्बैंड ने कहा कि एक दिन उसके हस्बैंड ने सोचा कि मैं देख के आता हूँ जो सामान मेरी वाइफ खरीदती है, किस ब्रांड का सामान खरीदती है, तो मैं अपने घर के सामने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाकर देखता हूँ कि वहां मिलता है कि नहीं मिलता है। जाकर देखता है, सब सारा सामान वहां मिलता है। यानी जिस सामान को 50 किलोमीटर दूर लेने जा रहे थे, हर वीकेंड में ड्राइव करते हुए जाएंगे, सामान खरीदेंगे, वापस लौटेंगे, वही पूरा सामान सामने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो सड़क के उस तरफ है वहां मिला करता था। तो उसके हस्बैंड ने जब जब अगला वीकेंड आया तो वाइफ ने बोला कि चलो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल वो मॉल चलते हैं। बोला नहीं मॉल नहीं जाऊंगा। तो बोलती क्यों नहीं जाएंगे, हमारे घर में सामान लेना है, हमको पूरे वीक का राशन खरीदना है मुझे। बोला नहीं सामने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से मिलता है, वहां से ले लेते हैं। तो वाइफ बोलती मैं वहां नहीं जाऊंगी, मुझे वहां से सामान नहीं लूंगी। तो हस्बैंड बोलता है कि यार देखो जिस ब्रांड का सामान तुम उस शॉपिंग कॉम्प उस मॉल से लेती हो, 50 किलोमीटर जाकर दूर जाकर तुम उस मॉल से लेती हो, वही सारा ब्रांड सामने मिलते हैं, तो फिर क्या बुराई है। तो बोलती नहीं मुझे वो मॉल से लेना। बोला नहीं पेट्रोल की बर्बादी, 50 किलोमीटर जाना पड़ता है रोज सुबह सुबह, एक एक 1.5 घंटे का ड्राइव करो, 1.5 घंटे वापस आने का ड्राइव करो, और फिर वही सामान जो सामने मिलता है वही सामान उस मॉल से जाके ले लो, तो क्या वैल्यू इसका। तो बोलती नहीं मैं वहीं जाऊंगा। तो डांट देता जोर से वो कि मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है तुमने क्या कर समझ रखा है, ऐसा वैसा बर्बादी करते हो, ये वो तमाम चीजें। तो उसकी वाइफ फिर रोने लगती है, उसे लगता है कि भाई ये इतना क्यों रो रही है, क्या कारण है। तो पूछता उसकी वाइफ से कि अच्छा ठीक है बताओ मुझे कि क्या कारण है। तो उसकी वाइफ रोते हुए बतलाती है उसको कि जब वो बहुत छोटी बच्ची थी, 4 5 6 साल की रहा होगी, तब उसकी मम्मी और पापा उसको शॉपिंग मॉल में लेकर जाया करते थे। हर वीकेंड में वो शॉपिंग मॉल जाया करती थी, और वहां पे जाके कुछ दुकानें ऐसी जो बहुत सालों से बदली नहीं है, उन दुकानों में जाके चॉकलेट खरीदेगी, किसी दुकान में जाके बुक परचेस करेगी, है ना, फूड जोन को एंजॉय करेगी। तो उसने पूरे बचपन से जो है 6 साल की उम्र से जब से होश संभाला उसने, तब से लेके जब तक वो टीनेजर हो गई, है ना, जब तक कॉलेज नहीं चली गई, तब तक वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अपने माता पिता के साथ जाया करती थी। और एक दिन उसके माता पिता की जो है वो कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई होती है उसकी। तो अब मेरे पास अपने माता पिता की, चूंकि मैं कॉलेज में थी उस समय, तो मेरे माता पिता की कोई यादें नहीं मेरे पास में ज्यादा कुछ। तो मैं जब भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाती हूँ तो मैं इंटर करते साथ ही मेरा पूरा बचपन याद आता है कि मैं ऐसे निकला करती थी इस कॉरिडोर से, इस चॉकलेट वाली शॉप चॉकलेट खरीदती थी, मेरी मम्मी यहाँ पैसा करा करती थी, मेरे पापा ऐसा करते थे, फिर हम लोग ऐसा करते थे। तो मैं हर वीकेंड अपने मम्मी पापा को याद करती हूँ। तो फिर हस्बैंड को अपनी गलती रियलाइज होती है, उसे लगता है कि नहीं ये केवल शॉपिंग के लिए नहीं जाती है, ये अपनी भावनाओं के लिए जाती है, इमोशंस के लिए जाती है, अपने पेरेंट्स को याद करने के लिए जाती है। तो बेटा इस स्टोरी का पर्पस क्या है, क्यों बताई मैंने। कई बार हम क्या होता है, दूसरों की कई सारी आदतों को देखकर हम जज करते हैं, उनको बोलते हैं तुम ऐसा क्यों करते हो, तू इतना बड़े घर का आदमी तू एक पुरानी सी घड़ी क्यों पहनता है, तेरी टाई तो क्यों नहीं बदलता है, क्या भरोसा पता तुमको कि वो टाई उसके पिताजी की, और पिताजी ना रहे हो, पिताजी को वो याद करता हो व्यक्ति, पिताजी दूर हो, पिताजी भी मतलब वॉट एवर द रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है उसका, ठीक है। कभी भी हमको है ना लोगों को एकदम देखकर कोई विचारधारा नहीं बनानी चाहिए, जैसे कि उसके हस्बैंड ने कहा कि ये तो बर्बाद कर रही पैसा, कि वो था नहीं, वो उस वीकेंड में जाके पूरे वीक खुश रहा करती थी उसकी वाइफ को, कि उसको अपने मम्मी पापा याद आते थे, उसको वो अपने आप को अपने बचपन को याद कर लेती थी वहां जाके। तो कई बार क्या होता है कि लोग हम सभी लोग जो है ना हमारे पास बहुत सारी इमोशंस होती है, ठीक है, जो हम देखते हैं ना किसी से मिलकर तो एक हिस्सा देखते हैं उसका। हर आदमी के 360 डिग्री का पूरा फैसेट होता है, 360 डिग्री बोलते हैं ना, पूरा चारों तरफ से बैठ के। तो आदमी से मान लो मैंने हाथ दिखाया तो इसके पीछे भी कुछ है, ठीक है, साइड में भी कुछ है। तो हम आदमी का केवल एक पहलू देख रहे होते हैं, जबकि उसके कई और पहलू होते हैं, उनमें बहुत सारे इमोशंस होते हैं। तो कभी किसी की कोई चीज का मजाक मत उड़ाइए, कभी किसी के इमोशंस को मतलब कई चीजें आपको बगैर कारण जो है वो एक्सेप्ट करना, ठीक है भैया आप बोल रहे हो तो कुछ होगा कारण उसके पीछे, ठीक है। हर चीज के पीछे व्यक्ति का एक कारण होता है। हम बहुत अलग तरह के एनिमल है, हम सेल्फ कॉन्शियस एनिमल है हम, ठीक है ना, हमारे अंदर चेतना नहीं सोचेतना है हमारे अंदर, पढ़ा होगा बायोलॉजी में कि हम लोगों में सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है। तो वही वाली बात है कि ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना, ये हमको बाकी जानवरों से अलग बनाती है ना। तो पॉइंट ये है कि इसीलिए कभी किसी को जज मत कीजिए, किसी चीज के लिए टोकिए मत, क्योंकि क्योंकि आपको कुछ नहीं पता उस बैकग्राउंड के बारे में। जानने की कोशिश कीजिए, यदि आपको आपको लगता है कि कुछ चीज को इम्प्रूव करना है, तो हो सकता है कि आप जो जो वजह
बता रहे हो वो बजेबाज वैलिड ही ना हो। अब बताओ, अब आपसे यदि मैं पूछूं कि उस महिला को 50 किलोमीटर दूर मॉल जाना चाहिए उसके हस्बैंड को लेकर के नहीं जाना चाहिए, आप झट से बोलोगे सर जाना चाहिए, क्योंकि तो इमोशनल वैल्यू आ गई ना यहाँ पर। तो कई बार बेटा इमोशंस का बहुत वैल्यू होता है, ठीक है। इसलिए कभी भी है ना, आपको देखते आपका अभी गोर्ख ना वो है ना, अमूल दूध पीता है इंडिया एड आता है, ठीक है, अमूल बटर का एड आता है ना, कई सारे ब्रांड जो है ना वो अपने म्यूजिक को चेंज नहीं करते, वो अपने पुराने म्यूजिक को कंटिन्यू रखते हैं वो लोग। और वो जो म्यूजिक होता है ना, पुराना वाला जो म्यूजिक होता है उन ब्रांड का, वो म्यूजिक जो है ना लोगों के दिमाग में बस गया होता है, तो वो चेंज नहीं करते उस म्यूजिक को, वो उनके बचपन की उन्हें याद दिलाता है। आज भी जब कभी मैं इससे जो है बताऊं कि जैसे मैं कभी लाइफ बॉय साबुन देखता ना, हालांकि मैं यूज नहीं करता हूं, एक लाइफ बॉय करके लाल कलर का साबुन आता है, तो मुझे बचपन की बहुत सारी यादें आती है, क्योंकि हमारे घर में आया करता था, डैडी हमारे बोला करते थे कि तुम लोग खेल के आते हो, ये जर्म्स को मारता है, इससे नहाया करो, है ना। और जब कभी मैं कि छोटे कस्बे जाता हूँ, वहां पे मैं जो है वो कोलगेट का जो टीथ पाउडर होता है, पाउडर आता था कोलगेट का, वो देखता हूँ तो मुझे वो बचपन की अपनी यादें आती हैं कि ये ऐसा अजीब से स्वाद का लगा करता है। मिल्क पाउडर के छोटे सैचेट हम लोग खा लिया करते थे खोल के उनको, ठीक है। आपको बताऊं मजे की बात के, एक बार मैं ना बैतूल के पास एक जगह पाढ़र, बैतूल के पास एक जगह पाढ़र, वहां मैं पहुंचा है ना, किसी ट्रेनिंग के लिए हम लोग गए थे सीएमसी बेल्लोर की तरफ से, तो वहां पे छोटी छोटी दुकानें बनी थी, तो मुझे एक सड़क किनारे एक छोटी सी चॉकलेट टॉफी की दुकान थी, छोटे बच्चे टॉफी खरीदते थे, वो दुकान दिखी उसमें, तो मैंने वहां जाकर वहां से खूब सारी चॉकलेट खरीदी। कौन सी चॉकलेट खरीदी मैंने, मैंने खरीदी किस्मी बार, हाँ पार्ले की किस्मी करके चॉकलेट खरीद के, पार्ले किस्मी छोटी सी चॉकलेट आया करती थी वो खरीदी। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों, मेलोडी खरीदी मैंने, क्योंकि ये बॉम्बे में नहीं मिला करती थी, ये भोपाल में भी नहीं मिला करती थी लोकल दुकानों में, क्योंकि अब कैडबरी डेरी क्लियर मिल्क और तमाम इस तरह की चॉकलेट मिलती है, तो वो मेलोडी और किस्मी बार और वो संतरे की गोलियां वो मैंने खरीदी और अपने दोस्तों में बांटी, मैंने सबको बड़ा मजा आया, यार मेलोडी देना वो संतरे की गोली देना, सबको बड़ा, सबने बचपन जिया 2-3 दिन तक। तो कई चीजों का बड़ा इमोशनल वैल्यू होता है, इसलिए कभी भी कोई चीज को मैं हमेशा बोलता ना कि जजमेंटल मत बनिए, जज मत कीजिए, उसके पीछे कारण यही है कि हम सब लोग है ना ह्यूमंस आर ड्रिवन बाय द इमोशंस, ठीक है ना। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।